कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। राहुल गांधी का दौरा अब 28 मई को अपनी 10 दिवसीय अमेरिका की यात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले उनका 31 मई से जाने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी 29 से 30 मई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है, इसका पोस्टर भी जारी हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले हो रहा है। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस डिनर का आयोजन रखा है। विदेश मंत्रालय ने बीते सप्ताह बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इसके पहले इसी साल मार्च में राहुल गांधी का लंदन दौरा काफी सुर्खियों में रहा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत सरकार की आलोचना और देश में लोकतंत्र पर खतरे का जिक्र करके राहुल गांधी निशाने पर आ गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हर कोई जानता है और ये काफी सुर्खियों में है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और इस पर हमला हो रहा है। मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, हम उस जगह को खोज रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था, हमारे देश में पिछले 9 सालों से जनता की आवाज यानी मीडिया को दबाया जा रहा है। हमारे देश में पत्रकारों को डराया जाता है, उन पर हमले होते हैं और धमकियां दी जाती है। वहीं सरकार की बात करने वाले पत्रकारों को पुरस्कार दिया जाता है। बता दें कि भारत में साल 2024 के नजदीक आते चुनावी घमासान से पहले विदेशी जमीन पर भी भारतीयों को लुभाने की रेस तेज होने लगी है। इस कड़ी में जहां प्रधानमंत्री अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के राजकीय मेहमान बनकर अमेरिका जा रहे हैं, वहीं कर्नाटक की जीत का बूस्टर लेने के बाद राहुल गांधी भी जून के पहले हफ्ते अमेरिका में होंगे। अमेरिकी जमीन पर दोनों ही नेता भारतीय समुदाय से संवाद और अपने सियासी प्रचार को धार देने की कोशिश करते नजर आएंगे। बता दें कि रोचक संयोग है कि अगले साल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। भारत में कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे के तौर पर खड़े नजर आने वाले दोनों चेहरे जहां प्रभावशाली भारतीय समुदाय के बीच अपनी पैठ दिखाने की कोशिश करेंगे, वही अमेरिकी राजनीतिक दल भी इसे रसूखदार और धनवान भारतीय समुदाय के साथ करीबी बढ़ाने के मौके के तौर पर देखेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।